तो भैया आ गया शानवान गेम पैड, एक बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन जिसमें आपको बार बार एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत सारे एडवांस की मैपिंग फीचर मिल जाएंगे जैसे कि टर्बो मोड, और आपको बहुत सारे गेम्स का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जिन बंदों का एक्टिवेट होने के बाद डीएक्टिवेट हो जाता था वो समस्या आती थी वो भी इसमें आपको नहीं आने वाली। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, कैसे एक्टिवेट करें और कैसे इसके साथ खेलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक गन बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन मैं आपको रियलमी के फ़ोन में एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। रियलमी के फ़ोन में एक्टिवेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, जैसे पांडा गेम पैड प्रो हमेशा आपका अनप्लग करने पे डीएक्टिवेट हो जाता था। तो मैं ये एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ये आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और सिर्फ इसे एक बार एक्टिवेट करना है। तो इसीलिए मैं आपका रियलमी के फ़ोन में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से शानवान गेम पैड टाइप करना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसे जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा फ्लोटिंग विजिट की, तो आप उसकी परमिशन देते हैं, उसके बाद आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसे अपने गेम पैड के साथ कनेक्ट करना है। बिना गेम पैड कनेक्ट करे किए बिना आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो चलिए इसे सबसे पहले गेम पैड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो गेम पैड से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ये सारी की मैपिंग चेक कर लेनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिखेगा आपको, जो भी आप की दबाएंगे वहाँ पे आपको वो हाईलाइट होती हुई दिखेगी। इससे आपका सबसे पहले आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका गेम पैड परफेक्टली सारी बटन मैप हो रही है, सारी बटन काम कर रही है। तो सारी बटन टेस्ट करने के बाद फिर ही आप इसे एक्टिवेट करें, ताकि आपका अगर गेम पैड सपोर्टेड है तभी आप इसे यूज़ करें और आपका फालतू में टाइम ना जाए। तो उसके बाद फिर आपको एक्टिवेट करना है अगर आपके सारे गेम पैड की बटन सपोर्ट कर रही है। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको सारा डिटेल बताएगा कि आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है। तो यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर को 7 टाइम टैप करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैटर्न डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यू आर नाउ ए डेवलपर मोड, ये आ जाएगा, यानी कि आपका डेवलपर मोड इनेबल हो गया। अब आपको डेवलपर मोड के में जाके आपको यूएसबी डिबगिंग इनेबल करनी है। तो उसके लिए आप ऊपर टाइप कर सकते हैं, हर फोन में अलग अलग सेटिंग होती है, अलग अलग जगह पर होती है। तो आप ऊपर टाइप करके यूएसबी सर्च करें तो जहाँ भी होगी वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूएसबी डिबगिंग आ चुकी है। यहाँ पर आप जब देखेंगे सबसे सामने ही आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप इनेबल कर दें। तो इनेबल करने के बाद वापस आप अपने ऐप में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इसके बाद आपको अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना है और ये शूटिंग प्लस वाली साइट को आपको अपने लैपटॉप में क्रोम में खोलना है। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ वहाँ पे क्या करना है। तो चलिए लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो भैया आ गया मेरा लैपटॉप, यहाँ पे आपको यूएसबी केबल यहाँ पे कनेक्ट करनी है, उसके बाद आपको लैपटॉप में कनेक्ट करनी है। लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये यूएसबी 2 का एक पॉपअप आएगा। तो आप नॉर्मली चार्ज ओनली ऑप्शन पे सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपका अपो फ़ोन है तो अपो फ़ोन वाले आप ट्रांसफ़र फाइल्स पर सिलेक्ट करें। तो ये करने के बाद अब आप चलिए वेबसाइट ओपन कर लेते हैं अपने लैपटॉप में। उसके बाद आपको ये साइट जो मैंने दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, shootingplus.com/cn-tool-english वाली, वो आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे आपको टूल डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप टूल डाउनलोड करें। टूल डाउनलोड करने के बाद उसे सेव करें। सेव करने के बाद ये 2.5 MB की एक zip फाइल है, वो आपको डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसे ओपन करें जहाँ पे आपने सेव किया है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है इसको अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए सीधे आप राइट क्लिक करके इसे जिप से अनजिप कर लें। तो अनजिप करने के बाद ये आपको फोल्डर ऐसा बन जाएगा, वहाँ पे आपको अंदर जाना है। उसके बाद अंदर जाना है, क्लिक करना है फोल्डर पे। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा कि qxstartserver.exe, इस exe को आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको अपना USB डिबगिंग आपके फ़ोन पे इनेबल ही है। उसके बाद आपको ऐड मैपिंग ड्राइवर पे क्लिक करना है और आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका यहाँ पे ये पॉपअप आएगा अलाउ USB डिबगिंग का मोबाइल पे।
उस पर आपको अलाउ करना है, ऑलवेज पे चेक करके अलाउ करना है और उसके बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जैसा कि ये एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये शान वन गेम पैड एक्टिवेट हो चुका है बड़ी ही आसानी से। और अब जैसे कि प्रॉब्लम आती थी यूएसबी केबल निकालने पे पांडा गेम पैड डीएक्टिवेट हो जाता था किसी किसी मोबाइल में, खासतौर पर रियलमी मोबाइल में, तो अब यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मैंने अगर निकालूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, देखेंगे आप थोड़ी देर में ये डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि बस आपको एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद ही एक्टिवेट होने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खुद से ही, अब कोई केबल नहीं लगाया फिर भी ये पॉपअप आ रहा है। आपको ऑलवेज पे क्लिक करके अलाउ करना है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ये देखेंगे आप ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो चुका है। और सेम टू सेम अगर मैं इस, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने यूएसबी डिबगिंग कर रखी है और पांडा गेम पैड भी जैसे होता था, अगर आप इसे ऑफ करते थे तो डीएक्टिवेट हो जाता था। तो सेम इसके साथ भी है, ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ खास बात यह है कि जब आप दोबारा इसे ऑन करेंगे तो अब आपको लैपटॉप में लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिक अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ये वेकअप हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो चुका। और इसके साथ ये भी है, अगर आप इस ऐप को इवन अगर आप अनइंस्टॉल कर दें, जैसे कि मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा और मैं इसे एक बार एक्टिवेट कर चुका हूं, अब मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करूंगा, ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे जब मैं इसको एग्री करूंगा, सारे परमिशन दे दूंगा, आप देखेंगे अलाउ करके अभी एक्टिवेटेड नहीं है और ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे कनेक्टेड एक्टिवेटेड आ गया। तो ये इस ऐप की बहुत ही खास बात है, सिर्फ आपको एक टाइम एक्टिवेट करना है, वन टाइम एक्टिवेट करना है, यानी कि सिर्फ आपको पीसी से एक बार कनेक्ट करना है, एक्टिवेट करना है, उसके बाद अब आप यूएसबी डिबगिंग ऑफ करके दोबारा ऑन करें या फिर इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, आपका एक्टिवेटेड ही आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खास बात है। पांडा गेम पैड में सबसे बड़ी कमी यही होती थी कि उसे जरा सा भी यूएसबी डिबगिंग ऑन हो गई या फिर आपने डेटा क्लियर कर दिया या फिर कुछ कर दिया तो वो आपका डीएक्टिवेट हो जाता था, फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ता था अपने कंप्यूटर से, एक्टिवेट करना पड़ता है पता था। इसमें आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बात है, अगर आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो इसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपको इसे दोबारा एक्टिवेट नहीं करना, इसकी ये ऑटोमेटिक अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये इसमें बहुत अच्छी खास बात है। और इसमें जो मैं गेम पैड गेम सपोर्ट की बात कर रहा था, देखिए अपने इसमें आपको मिनी मिलिट्री और ये बहुत सारे गेम्स सपोर्टेड हैं, जैसे कि फ्री फायर कॉल ऑफ ड्यूटी का एमपी, कॉल ऑफ ड्यूटी का बीआर मोड, बाय डिफॉल्ट सबकी की मैपिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे, पबजी मोबाइल और बहुत सारे गेम सपोर्टेड हैं। तो ये भी इसमें बहुत ही अच्छी खास बात है कि इसमें बहुत सारे गेम सपोर्टेड हैं, उनकी की मैपिंग आपको पहले से ही मिल जाती है। तो अब इसे कोई भी गेम कैसे स्टार्ट करना और कैसे प्ले करना है वो भी मैं बता देता हूँ। किसी भी गेम को जैसे आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसकी की मैपिंग डाउनलोड करनी है। जैसे कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी बीआर मोड में खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये सारे गेम लिस्टेड हैं, इनकी की पोजीशन आप यहाँ पे की पोजीशन देख सकते हैं कि की पोजीशन कहाँ कहाँ सेट कर रखी है। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये देख गया ये की पोजीशन सब यहाँ पे सेट कर रखी है। अगर आपको सही लगी की पोजीशन तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट की मैपिंग में ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप मैसेज आ जाएगा कि ये डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको वो गेम पर्टिकुलर ओपन करना है और उसके बाद वो गेम आप खेल सकते हैं। तो मेरा रियलमी का फ़ोन है, इसमें मैं आपको नहीं दिखाता, मैं आपको वन प्लस फ़ोन में दिखाता हूँ कैसे आप गेम खेल सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के बाद और की मैपिंग डाउनलोड करने के बाद आपको उस गेम को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी आपको ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ये गेम आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। और उसकी जैसे बीआर मोड है उसके मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी की मैपिंग डाउनलोड करें, उसके बाद आप उस गेम को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च गेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे लॉन्च गेम कर ले। लॉन्च गेम करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये सारी की मैपिंग जो हमने बाय डिफॉल्ट डाउनलोड करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे रख देना है, उसे सेव कर लेना है। तो सबसे पहले आप सेव जरूर कर लें उसे, आप ये देख रहे हैं की मैपिंग परफेक्टली काम कर रही है। ये यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो थोड़ी सारी इधर इधर उधर जो आपकी बेसिकली डिस्टर्बेंस है वो आप उसके ऊपर रख सकते हैं, जो भी बटन है थोड़ी सी यहाँ पे इसमें की मैपिंग थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है तो आपको थोड़ा मैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सारे बटन काम करने लगेगी, परफेक्टली सारे बटन काम करने लगेगी, यहाँ पर जंप भी होने लगी।
इसमें आपको एडवांस की मैपिंग, जैसे मैं दिखाऊं कोई भी ऐप की मैपिंग, जैसे आप देखते हैं तो वहाँ पे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, टर्बो मोड, माइक्रो मोड, बहुत सारी एडवांस की मैपिंग आपको मिलेगी, तो ये भी इसमें सपोर्टेड है। तो आज के लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, बस आपको दिखा दिया मैंने कि हाँ ये काम कर रहा है और हर एक गेम आप यूज कर सकते हैं कि मैपिंग सेट कर सकते हैं। तो जो भी अलग अलग गेम है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल और फ्री फायर, उनके लिए अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और ये भी बताऊँ बिल्कुल ही 100% बैन सेफ एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही पांडा गेम पैड की तरह ही काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको मैंने पूरा बताया कि आपको कैसे इसे यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इसके साथ प्ले करना है, और मैंने आपको गेम प्ले करके भी दिखाया गेम पैड परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, ऐसे एप्लीकेशन लाऊँ, तो आपके सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।